ईशान किशन से खफा है बीसीसीआई। स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने जो स्क्वाड है, दो टेस्ट मैचेस का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। दो टेस्ट मैच यानी 25 जनवरी को पहला टेस्ट मैच, 2 फरवरी को दूसरा टेस्ट मैच। बचे 3 टेस्ट मैचेस की जो टीम है उसका ऐलान अभी तक टीम इंडिया ने नहीं करा है। इस स्क्वाड में जहाँ पर ध्रुव जुरैल नाम के एक युवा खिलाड़ी को मौका मिला, वहीं एक और युवा खिलाड़ी ईशान किशन का नाम इस स्क्वाड में देखने को नहीं मिला। ईशान किशन साउथ अफ्रीका दौरे से भी गायब थे, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से भी सीरीज से भी गायब थे और अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से भी गायब है। आपको याद होगा अभी जब अफगानिस्तान दौरा शुरू हुआ था उससे पहले राहुल द्रविड़ ने कहा था कि ईशान किशन को पहले टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। उनकी जो बातचीत थी, उनकी जो भाषा थी, लग रहा था कि वाकई में राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई खफा है ईशान किशन से। फिलहाल आपको बता दें ईशान किशन ने मेंटल फटीक का हवाला देकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा था, लेकिन टाइम स्पेंड करने के मामले में टाइम स्पेंड करने के नाम से वो दुबई में जाकर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और इसी वजह से उनकी ये जो ढीली बॉडी लैंग्वेज है, उनका ये जो केयरलेसनेस है, ये चीज़ जो है ये बीसीसीआई को थोड़ा सा आड़े आ गई और बीसीसीआई ने उन पर इस तरीके का एक्शन ले लिया कि अब उनको इंग्लैंड दौरे से भी बाहर कर दिया। आपको याद होगा द्रविड़ ने कहा था कि ईशान किशन को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। एक वजह ये भी मानी जा रही है कि इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए उतनी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क नहीं करा कि वो उनको रणजी मैचेस में खेले। हालांकि जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो डायरेक्टर है उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें ईशान किशन का कोई भी कॉल अप नहीं आया, जिस दिन वो हमें कॉल करेंगे अगले दिन हम उनको प्लेइंग 11 में शामिल कर लेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन वाली तो चीज़ है नहीं, उनको तो सीधे डायरेक्ट प्लेइंग 11 में ही हम लोग खिला देंगे। लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं करा, इतने केयरलेस वो हो गए। उनके इसी रवैये की वजह से आई थिंक बीसीसीआई थोड़ा सा खफा है। राहुल द्रविड़ के ऊपर से वो बात इतनी नहीं मानते हैं, जो कि अभी सोर्सेज निकल कर आ रहे हैं कि राहुल द्रविड़ की बात भी वो बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। इस वजह से ईशान किशन का थोड़ा सा पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इस सीरीज़ की तो इस सीरीज़ में, इंग्लैंड सीरीज़ में 3 विकेट कीपर्स हैं हमारे पास, केएल राहुल, केएस भरत और ध्रुव जुरैल, जो कि नया नाम है। यहाँ पे से ईशान किशन का नाम बिल्कुल साफ है। अब लग रहा है कि ईशान किशन के लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ईशान किशन को अब मेहनत करनी पड़ेगी तभी टीम में जगह बना पाएंगे, अदरवाइज बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर, बल्लेबाज हैं जो उनका पत्ता काट सकते हैं। ध्रुव जुरैल इनमें से ही एक नाम है। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लगता है कि ईशान किशन अब अपनी जगह टीम में नहीं बना पाएंगे या फिर बना पाएंगे। क्या है आपकी राय, कमेंट्स करके जरूर बताइए।